कई सारी चीजें जो टेबल से गिर ना जाएं। हेलो रौनक, नमस्कार, कैन यू सी कैसे हैं मी? अच्छा, आप? यस, आई कैन सी यू वेरी वेल। आप ठीक ठाक है ना? बस आपका आशीर्वाद है, आप और मैं दोनों हेडफोन लगा के बैठे हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। जितने भी हमारे देखने वाले उन सब की तरफ से मैं आपको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आप ठीक हैं? और जितने लोग जानने मैं वाले ठीक हैं वो हूँ। सब ठीक हैं? जी, मैं तो नॉर्मली मैं ऐसे सॉलिट्यूड में कभी कभी रहता हूँ। अभी तो फोर्स सॉलिट्यूड है। किसी ने कहा कि वो बहुत अकेला अकेला लग रहा है, तो मैंने अच्छा, कहा हाँ, तो हम आते हैं, अकेले जाते हैं, अकेले आराम से बैठो। क्या बात है, दिस क्या टू बात विल है, पास। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपने शुरुआत की। तो ये अकेलेपन को टैकल करने का सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन क्या है? ये अगर आपको कोई पूछे तो क्या जवाब आएगा? ऐसा है कि इसकी प्रैक्टिकल मेथड है एक साइड में, दूसरा जी ये माइंडसेट जो है हमारा, जी वो माइंडसेट उसको प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, पहले कैन यू स्पीक इन हिंदी इंग्लिश, व्हाट यू वांट? जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन विदाउट एनी ऑफ दिस कोविड और एनीथिंग, मेनी योगीज यूज्ड टू गो अलोन एंड शट देमसेल्फ्स अप इन सॉलिट्यूड। इसके लिए नहीं, बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। कभी कभी अकेले रह के अपना मन को आप देख सकते हो, जो बाहर कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन टाइम पे होता नहीं, बिकॉज वी आर जी ऑलवेज विद अदर्स। सो मेनी योगीज हैव डेलिबरेटली ट्राइड टू रिमेन इन आइसोलेशन। तो ये समझ लेना चाहिए कि अकेले जब हम रहते हैं, इसमें देर इज नो प्रॉब्लम एक्चुअली, एक्सेप्ट वॉट सोसाइटी हैज बिल्ट अप अराउंड। पीपल से आई कांट से हाई टू माई फ्रेंड्स, आई सेड यूज योर फोन, यू डोंट हैव टू से हाई टू योर फ्रेंड। नाउ देर आर वीडियोज, एवरीथिंग इज देर, मगर राइट, मन शांत होना चाहिए, नहीं तो नहीं बैठ सकते। करेक्ट, तो मैं आपको, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, द वर्ड यूज फॉर द हाइएस्ट अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इज कैवल्या। पता नहीं आप समझेंगे कैवल्या का अर्थ क्या है। उसका रूट वर्ड है केवलम, ओनली, मतलब ओनली अलोन, अलोन। तो व्हेन दैट स्टेज इज रीच्ड, देन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग और एनीवन फॉर योर हैप्पीनेस एंड फॉर योर एक्सिस्टेंस। आप डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डीप डाउन इन द एसेंस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, बॉडी नीड्स फूड, आई अंडरस्टैंड, ये मुझे समझ में आ रहा है, मगर द माइंड एक्चुअली शुड लर्न टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इवन इन सॉलिट्यूड, इट इज ओनली इन सॉलिट्यूड एक्चुअली दैट इट कैन रीच द हिडन रेसेसेस ऑफ द इनर कॉन्शियसनेस। और राइट, कोई नहीं करते हैं, योगी लोग करते रहे, अभी सब लोग योगी बनने का समय आ गया है। एवरीबडी राइट, कैन इट फॉर सम टाइम, आई एम श्योर एंड आई होप एंड आई प्रे दैट इट विल पास, बट लेसन टू रिमेंबर इज इवन आफ्टर इट पासेस अवे, दिस डेंजर व्हिच वी आर फेसिंग, व्हिच इज वेरी रियल, वी हैव टू बी साइंटिफिक अबाउट दिस। इवन आफ्टर दिस पासेस अवे, वन शुड नॉट फॉरगेट दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड इन अ काइंड ऑफ लॉकआउट, and I sat down and still I felt calm and contented, because calmness and contentment are not depending on the outside world, it's something that comes from inside. ये एब्सोल्यूटली मैसेज। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच श्याम। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे लोग ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इज देयर एनी योगिक प्रैक्टिस व्हिच वन कैन परफॉर्म एट होम और वेर एवर दे आर, व्हिच कैन हेल्प देम इन कमिंग आउट ऑफ दिस एंग्जाइटी और फियर ऑफ यू नो There are two अकेलापन हो things. या One बीमारी is, हो। या जी, one is that it, the two parts to this. One is to be quiet and to come out of this loneliness feeling, or be calm and quiet. The other is that the practical technique by which you can balance your prana and apana, so that the body becomes more resistant. ये दोनों चीज़ है। जी
side by side. So the first thing, first point which I discussed, wo ye hai, ke inside us, if we free ourselves from the distractions of the mind, which is always pulling us down, are kya ho raha hai, then the mind begins to quieten down. When the mind is quiet with as few thoughts as possible, then there is an energy in our mind which is calming and cooling, and which will settle our minds and make us happy inside. One side of the story. Mm-hmm. If you ask me, is there a practical thing to this? First, this understanding has to come. Right. Because we are alone and we don't have much social interactions, we are not going to die. Nothing is going to happen. In fact, in this context, you are going to die if you have more social interactions. It's better to say this. Achha. So then there is a time for you then to indulge in your favorite hobbies, your favorite interests, which you generally don't get time. Right. Aapko mujhe pata hai, aap to har roz isme lage rehte hain. Log questions poochte hain, group karta hai. So you probably don't get enough time to reflect, to sit down quietly. Maybe you do. If you're a yogi, you should. But so this is the time when you can say, you're interested in music. When I say music, I'm not saying only classical music. Mm-hmm. Get some old songs. Lovely! Super! And listen to the song. Sit down and then play any game which you can play at home. I to golf ghar pe practice kar leta hu. Wahan pe ek net lagaya hu, usme ball marta hu. Aur I have a small portable putter. To usko aap bichha ke drawing room mein bhi khel sakte hain. So do your favorite actions and then reading. This is the time to read. Get your interest books which you are seriously interested in. You'll be surprised if I tell you that apart from Vedanta, which is my first interest, I read P.G. Wodehouse and Ernest Hemingway. These are my favorite authors. So, amazing. This is the time when you can really relax and get into all this. What happens with this is then you understand that nobody needs to entertain you from outside. You are your own entertainment. What outside entertainment does is to evoke this from inside. It comes out. And we think it is because of that. It is because there is already an existing entertainment tank in us. Now is the time to fill it. Yeah, ho gaya. Practical. Since you asked me about the practical. Two things. One is to improve your resistance. Other is to balance your prana. Iske liye to bada simple technique hai. Make sure that the air is fresh. Aajkal air aur fresh ho gaya. This is the other flip side of the story. Hardly any vehicles flying. The air has become clear. Sit down in a quiet place. It can be under a tree. It can be in your drawing room. You can sit anywhere. Close your eyes and do what we call the hung saw technique, which means watching your breath while you breathe in and breathe out. Inhale. Inhale. While you inhale, very slowly. I'm inhaling now. Okay? Then hold your breath for a short while. Then exhale. Now I'm going to tell you a secret. Instead of exhaling through the nose, like open your mouth slightly and exhale. You know, this is the kind of breathing we do when we are tired. Aap jaake bahut exercise karke aaye ki you sink into the zone. So it naturally occurs. So breathe in very slowly. Hold your breath. Exhale. Allow the breath to go out. Now when you breathe in, chant the sound of hum. Hum, okay. And when you breathe out, chant the name, the sound of saw, S-A-E, saw. So you don't have to chant. You feel in your mind that the in-breath is hum and the outer-breath is saw. You do this for 10 minutes or 5 minutes every day. It will make a world of difference to your mind state and to your physical body. Because we believe that the Ida and the Pingala have to be balanced. And this is one of the exercises. Right. Absolutely. Thank you. Thank you very much. Apart from that, I'm going to tell you something interesting. Yes. If you're alone, and if there is nobody around, shut the door and bolt it from inside. Take off all your clothes, even undergarments. Okay. I'm not joking. This is our natural state when we are born.
and it's a natural state when you die. We wear clothes because people like you, you have to wear clothes. Otherwise, look at the Digambara Jain monk, they don't wear a thing. So at least now when no one is around, you can just put on the fan, lie on your bed, say, I have shed my pretensions, I'm free. Okay. These are two of the exercises. I think the second one, which I said, many people would love to adopt. मैंने तो खुद को इमेजिन भी कर लिया शिवम कि मैं ऐसे कर रहा हूँ. एक्चुअली करके देखिए, यू विल सी हाउ, बट प्लीज बोल्ड द डोर फ्रॉम इट. और जो लोग एकदम ही अकेले, तो उनको दरवाजा बंद करने की जरूरत है. आजकल तो लोग बाहर का दरवाजा भी नहीं बंद कर रहे हैं, बिकॉज कोई बाहर से भी अंदर नहीं आ रहा है. घर वाले तो छोड़िए, बाहर से भी कोई नहीं आ रहा. सो दिस इज द बेस्ट टाइम. ये जो लॉकआउट जो है अभी, I think it's a very important part. I think we should diligently try and practice this. Apart from government instructions to hai, but we should, the public should practice. There should be no congregations anywhere of any kind, religious, social, kuch nahi rehna chahiye. Because it spreads so fast, the virus. Now the hope I have is that this will also pass. Ye bhi jayega. But it will take, I think, according to me, about a month and a half or two before it kind of goes away. But till then, we have to take precautions. Who knows, until this time, somebody might discover a vaccine or a medicine for this. All the research labs are engaged in this because it's a money-making business anyway. So, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत अच्छे से आपने बहुत सरलता से बहुत सारी चीजें बता दी जो इस वक्त इस लाइव सेशन में लोग देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं मैं वो लोग फॉलो करें और उससे हेल्प लें. हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 21 डेज लॉकडाउन? आपका डेली शेड्यूल क्या होता है श्रीम? हाउ डू यू स्पेंड द एंटायर डे? अच्छा, वो जो मैंने कहा वो प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी. ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई सिट इन माय रूम, I read, I come down to the drawing room, I sit and read, I discourage people from coming to me. Okay. अपनी जगह में रहिए. हाँ, I said let me sit alone because it's good for you. I said you either you have two choices, come and have social contact and die, or stay away and be alive. Absolutely correct. So मैं इनको ये कहता जी. And then I write the whole morning generally. मैं अपनी लाइब्रेरी जाता हूँ. आई एम वर्किंग ऑन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि फॉर अमेज़न, सो आई वर्क ऑन दैट. आई हैव अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कमिंग अप इन पेंगुइन, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. तो ये सब काम अभी करने को बहुत टाइम मिलता है. अदरवाइज यू नो आई वाज ऑल द टाइम मूविंग, वन फ्लाइट टू द अदर, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सब बंद हो गया. अभी परिव्राजक नहीं, अभी एक जगह में रहे. तो दिस इज माई रूटीन, गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, डू माई आसनास, pranayam, meditation, kriya. And then have breakfast, a light breakfast. Anyhow, it's a vegetarian breakfast. Have light breakfast, go for a walk if possible, and then sit down and read and write. Sometimes Satsang Foundation office is close by. I might have to go for a short while and talk to them and come back. So this is my procedure. Then I have my lunch and I take a beautiful nap for 1 hour in the afternoon. This I always do. Kahin bhi in the busiest schedule, I have a noonday siesta. I actually got this habit from the Ramakrishna Mission when I was a brahmachari there. Wahan to 1 baje se 4 baje tak koi kuch nahi karte, apne room mein aaram karte. So do that. And then I wake up, have a cup of tea, finish all my mails and all my correspondence. That time today I'm utilizing, I'm talking to you. So uske baad main jaldi hi kuch news dekh ke TV mein, फिर मैं खाना खा के सो जाता हूँ. बिकॉज आई वेक अप क्वाइट अर्ली एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम स्लीपिंग, सो दैट इज नॉट, ये मेरा डेली रूटीन. तो ये तभी भी था और ये अब लॉकडाउन में भी यही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं है. तब था, मगर तब मैं कर नहीं सकता था कभी, बिकॉज आई हैव बी ट्रैवलिंग, मीटिंग पीपल, हैविंग सत्संग्स, हैविंग टॉक्स, क्वेश्चन आंसर सेशन, गुरु पूर्णिमा हो गया, शिवरात्रि आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. And one day I'm here, one day I'm in Melbourne. Actually, I came back from Australia just before the scare started. Okay. If I had not come, I could have got stuck there. I Sydney ka program canceled kiya, New Zealand ka kiya, and I came off from Australia. The moment I came, 3-4 days later, they're saying it's
started out there and there are no flights, I would have got quarantined in Melbourne. मेलबर्न में आपके डिसाइपल्स बहुत खुश होते कि गुरुजी मेलबर्न में ही हैं. सो अभी कहाँ हूँ, अभी तो आ गया. हाँ वो तो खुश हो जाते. दे वर ट्राइंग सम थिंग्स बट आई वांट. ओह दैट वाज वंडरफुल वंडरफुल. एक जब भी मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपके हिमालय की उस यात्रा के, हिमालय में जो आपने वो साधना की थी उसके बारे में मैं जरूर पूछता हूं. आपने, आप जब रेड एफएम के स्टूडियो आए थे तब भी आपसे इस बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी. और सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा और सबसे ज्यादा इंट्रीग करने वाला और वो जो किस्सा था नागमणि को छूने का, मैं चाहता हूं ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी उस किताब के बारे में भी बात करने की और उस किस्से के बारे में भी बात करने की. इनफैक्ट किस्सा क्या, वो एक एक्सपीरियंस था, अनुभूति थी जो आपको हुई थी. सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट? श्योर. पहले मैं कहने के पहले ही मैं एक आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि सम पीपल माइट थिंक दिस इज फिक्शन. ठीक है, कोई बात नहीं. सो मेनी थिंग्स व्हिच वर वंस कंसीडर्ड फिक्शन आर रियलिटीज नाउ. एक जमाने में कोई कहा कि आप आसमान पे उड़ रहे हैं तो कहेंगे ये तो कोई कथा है, किसने बनाया है, वेद व्यास ने लिखा है. आज हम लोग सब उड़ रहे हैं हवा में. बिल्कुल. और वी आर फ्लाइंग इन हेवी व्हीकल्स व्हिच डिफाई ग्रेविटी. जी. तो इसलिए ऑल आई एम सेइंग इज कीप द माइंड ओपन, एटलीस्ट सस्पेंड वंस जस्ट. ये जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था, ना कोई ड्रग से कुछ हुआ था. आई वॉज परफेक्टली सोबर एंड आई वॉज स्लीपिंग in Arundhati Gupha. If you go towards Vashishta Gupha and then walk a little bit on the side of the Ganga, you'll come to the Arundhati Gupha. It's yes. 22 kilometers from Rishikesh. I have seen that. I have been there, in fact. So there's a small cave at the river bank. Very small, two people can stay maximum. So Babaji and I used to stay there for long periods of time. So ek din main kabhi bhi andar sota tha, wo bahar. Bahar matlab in the front entrance, he used to have a dhuni all the time. He was from the north, but unko to 24 hours dhuni lagti. So I was sleeping when, but I can from there see a clear view of the sky above the Ganga, which is flowing there. Maine dekha ki pehle I thought that the full moon has become bigger and more orange color. Kabhi kabhi orange color hota hai because of climatic conditions, from silver to kind of orange. Then I suddenly realized that it was becoming bigger and approaching us. And then there was a sound like thunder, loud thunder. And it came and it landed in front of the cave where Babaji was sitting on the left side, on the right side from where I was. So wahan wo aake aisa settle hua. It's a round globe. That's all I can tell you. It's like a round globe. And I was, to be honest, petrified. I didn't know what was going on because Babaji didn't give me any warning or anything of this kind. And then the top kind of flipped open like this. And then out of that, here, this was the most amazing thing. A huge cobra came out from there. One head only, not many headed as we see in Puranas. And bahut bada tha. Then it came out, came out or slipped out, and then it wound itself with its hood up and stood facing Babaji. I thought some peculiar cobra has come to trouble Babaji or do something to him. I was thinking, how did she come in that round thing? And nothing entered my head. Mujhe na flying saucer ka sochta na kuch tha. Mere to bada serious situation. Right. Then And it was kind of electric blue. The whole body was kind of electric blue. And the eyes were like little cat's eyes popping out. And then there was some moving of the head and hissing, and Babaji was saying something and all that. So I thought, what is going on? Either I've gone mad, some new Kundalini exercise I must have done, to sarma kuch ho gaya hoga. Babaji said, utho. So I got up. I went there and I stood kind of really shivering. Then Babaji said, pranam karo. So I did pranams. Then the thing touched me on the head.
and then it got back into this thing and it zoomed up. And after it, who can sleep after? I told Babaji, I can't under, I think I'm going nuts finally. Babaji ne kaha, aisa kuch nahi hai, tum theek ho. Then he said, kal batayenge. So next day morning he told me that it was the a dignitary from the Nagalok, the world of snakes. He said, there is one world where only snakes live. And they are advanced cobra, hooded snakes, not like our snakes, which we have here. He said, is a kind of a something he said, I forgot. So he has come here. There is some problem there. So he has come here to discuss matters and find an answer. I was shocked. I said, Babaji, somebody is in Nagalok. If there is Nagalok, main to bada skeptical aadmi tha, hai bhi. I said, if there is a Nagalok, and ye to mere aankh se maine dekha, magar if there is a Nagalok, this somebody is coming down to ask you, you're a human being. So he's asking advice from you about a problem in Nagalok. He said, yogiyon ke beech mein aisa kuch nahi. Wow. Jiske paas, haan, gyan hai, wo gyan kahin se bhi log. So I asked him, do you have contact with me? He said, yes. So that's about it. But I want to tell you something interesting. 1 year before he passed away, the head of the Vishwa Hindu Parishad, Mr. Ashok Singh, you have heard of him? Yes. Mr. Ashok Singh, he was very old. That, and 1 year before he died, he wanted to see me. So I said, I'll come and see you because he's much older than me. I said, I'll come and see you. No, he said, I want to see you. So I was having a cup of tea, nice Bihari high tea in Ms. Sri Ravi Shankar Prasad's house, the law minister's house. Right. He said, aapko milna chahte hain, yahan aaye. He said, main jaunga na yahan aaye. So he came and we had a cup of tea and they make good Bihari sweets there. And he told me something very interesting. He said, you know, I have read your book many times. And I want to tell you something interesting. He said, in those days which you are talking about, this means end of the 60s. You're talking about, I was working as a pracharak, as a worker, in a village called Vyasi, which is hardly a kilometer or two from Arundhati on the main road. So yeah, above Shivpuri. Yes. So Shivpuri se upar aur Vyasi hai, correct? Yes. I think it's 10 kilometers. So when he said, some of the villagers came to me in the morning and said, kal ek ghatna hui, aapko hum batana chahte, pata nahi kya hai. Said, aur humne dekha ki wo jo Vashishth, not about Arundhati, they said Vashishth Gupha ke upar, Ganga ke upar se, koi बड़ा सा लाल रंग का चीज आसमान से उड़कर नीचे आया और उसके साथ तड़ाके भी हुए, जैसे बारिश पे तड़ाके होते, ऐसा हुआ. तो फिर वो नीचे गया तो पता नहीं फिर क्या हुआ. तो दे सेड मॉर्निंग वन टीम वेंट बिकॉज दे गॉट वेरी वरीड, इट वाज लेट एट नाइट. मॉर्निंग ए टीम वेंट एंड दे सेड दे सर्च्ड अराउंड एंड दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग देयर. सो दे सेड दिस इज ऑलमोस्ट, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दैट रफली द सेम टाइम दैट दे केम एंड टोल्ड मी. They said, हमने गया तो खाली गुफा में एक बाबा जी बैठे हुए थे, कुछ नहीं था. So interesting. So just wanted to ask you, Shyam, ये बाबा जी ने आपको बताया कि वो प्रॉब्लम क्या थी जो नागलोक से उनको पूछने के लिए वो आए थे? नहीं बताया. नहीं बताया आपको? I was not privy to that secret. Sorry. बाबा जी कभी हर चीज मुझे नहीं बताए. कभी बताते मैं सुन लेता, और कभी मैं इंसिस्ट किया तो कभी बताते थे, कभी बोलते हैं चुप रहो अभी नबी ने बाद में होगा. सो आई यूज्ड टू जस्ट, नो ही वाज अ गुड वेरी लविंग मैन बट ही कुड बी वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी. एब्सोल्युटली. ऐसा तो मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया अभी तक द वे आई वाज. मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम? ये ऐसा तो नहीं हुआ. आफ्टर दैट आई हैड मेनी अदर एक्सपीरियंसेस बट ऐसा तो नहीं हुआ. लास्ट अगेन आई सॉ
this person in a human form, in a beautiful human form, so beautiful that I think any of the young women who had been around, they would have got really infatuated. This was, he again came in the same kind of thing. Okay. And my guru, personal guru, Maheshwarnath Baba, he passed away. When he passed away, when his samadhi was happening, I was the only person present. So that time, he came with Mahavatar Baba, both of them, and blessed me and went back. Babaji had asked me to put his hand and hold Maheshwarnath Babaji's hand tightly for some time. He said, now the work is in your hands. So that time I saw again, but that was not in the form of a serpent. So Babaji smilingly said, Niko dekh ke aap dar gaye tha. Amazing, amazing. So that two things that they can change forms. Very much. जो फिक्शन में है ना कि वॉकिंग्स वहां से आते हैं और दूसरे किसी के शरीर में वह इट मे बी फिक्शन मोस्ट ऑफ बट पॉसिबल ऐसा नहीं कि रोल आउट नहीं कर हु नोज हाउ मेनी आर देयर हियर हु आर एक्चुअली ह्यूमन बॉडीज फॉर समथिंग एल्स कैसे पता एब्सोल्युटली सो दिस वन क्वेश्चन व्हिच आई ऑलवेज लाइक आई ऑलवेज हैव इन माय माइंड दैट हाउ टू एनहांस योर परसेप्शन सो दैट If such beings are around you, so that you can recognize them or you can seek blessings from them, पहचाने कैसे कि आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति वो enlightened being है जो आपको सब्जी बेच रहा है या फिर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो how to recognize वो पहचान अब तो खैर हम बाहर जा नहीं सकते और ये तो कंफर्म है कि घर में जो लोग रह रहे हैं वो enlightened beings नहीं है क्योंकि तीन दिन में पता चल गया ऐसा तो नहीं probably I don't know मगर ऐसा है फाइनल स्टेटमेंट कह दिया आपने चलो तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज फर्स्ट मेक योर माइंड सेटल इनफ टू फील दिस थिंग्स तो उसके लिए मेडिटेशन की बड़ी जरूरत है और स्पेशली वी यूज द आज्ञा चक्र द सेंटर बिटवीन द आईब्रोज टू एक्टिवेट द कैपेसिटी टू सी थिंग्स व्हिच आर नॉर्मली नॉट सी So there are simple ways, but you need to work a long time because we have been taught that there are no such things. So, इसलिए mind को फिर उसका decondition करना पड़ता है. When you decondition it, and when you have your attention in the Ajna Chakra, you can meditate. After a while, you will begin to sense. मैं कभी भी लोगों को कहता हूँ सत्संग में आप 400 लोग बैठे हैं या 600 लोग बैठे हैं क्या आप समझ रहे हैं इतने ही हैं और भी बैठे हैं आप देखिएगा सो यू नो व्हेन नाउ डू यू थिंक ओनली टू ऑफ अस ऐसा है बट दैट मैटर इज सो सटल इट कैन ऑक्यूपाई द सेम मैटर इन विच वी आर देयर इट डजंट हैव स्पेशल स्पेस फॉर दैट राइट Thank you very much. We just got a message from our CEO. She is also watching it. This session, okay. Nisha Narayanan. And I have met her. Yeah. Wonderful. She's saying, she just sent a message, Siam. She said, Siam, thank you for coming on Red FM. And all of us, we need blessings from you. Much love. Thank you. God bless. Namaskar. Thank you. Thank you very much for joining us once again. Pranam. Namaskar. Thank you very much, Siam. Yes, what's up? Thank you. Thanks for the pen. So guys, that was a wonderful session with Sriyam. And मैं आपको क्या कर रहा है? हंसता क्या है? Come here. Just say hello. अच्छा ठीक है. अच्छा ये ले. Sorry. उसका एक सामान ले लिया मैंने. So yeah, it was a wonderful session with Sriyam. And thank you very much for all the volunteers who could arrange this. जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट सेशन को हमारे साथ करवाने के लिए अरेंज करवाने के लिए यू गाइस आर वंडरफुल जो प्रैक्टिसेस जो सजेशंस श्रीएम ने दिए आई होप आप लोग उसको फॉलो करोगे आप इस
इंस्टा लाइव के सेशन को हम लोग डाउनलोड करके फेसबुक पर भी शेयर करेंगे. सो अगर आप इसको फिर से देखना चाहते हैं तो बस थोड़े ही टाइम में हमारी टीम इसको आपके लिए कर देगी. एंड प्लीज अपना ख्याल रखें, घर से बाहर नहीं निकलना है. एंड इज द बेस्ट टाइम, एज ही ऑल्सो सेड, कि अपने साथ टाइम बिताने का ये बेस्ट टाइम है, अपनों के साथ टाइम बिताने का ये बेस्ट टाइम. अगर आप एकदम ही अकेले हो तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर आप अपनों के साथ हो तो ये बेस्ट है. सो प्लीज इसको, इस टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि इसके बाद जब पुराना काम आपके पास आएगा तो इतना भर भर के आएगा ना, आप बोलोगे यार 21 दिन की छुट्टी देकर हमसे 210 दिन का काम लिया है. सो प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जो जो प्रिकॉशंस फॉलो करने को बोले गए उसे करिएगा. बाहर मत जाइएगा, हाथ धोते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा. रेड एफ एम इंडिया को फॉलो करिएगा, रेड एफ एम इंडिया का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा. सारे आरजेस आप समझ लीजिए मुंबई से लेकर के गुवाहाटी तक, और जम्मू से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक, बैंगलोर तक और हैदराबाद तक, सारे आरजेस आपको रेड एफ एम पर मिलते रहेंगे और आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, आपको एंटरटेन भी करेंगे, आपकी टेंशन को थोड़ा सा कम भी जरूर करेंगे. सो मैं रौनक आपको शाम को 7:30 बजे फिर से फेसबुक लाइव मिलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ. प्लीज टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद. रेड एफ एम बजाते रहो, और रेड एफ एम कहता है केयर करो ना.